हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम आज इसका एक स्मॉल पार्ट लेकर चलेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या हिंदी में इसको कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। आइसोमर्स की अगर हम बात करें कि आइसोमर्स क्या है, देखो मेरे पास एक कंपाउंड है, सपोज करो मैंने CH4 लिया है, या अगर मान लो मेरे पास CH3 CS3 है इथेन, या अगर मैं लेती हूँ प्रोपेन CH3 CH2 CH3, या CH3 CH2 CH2 CH3। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो इसको मैं सिर्फ ऐसे ही लिख सकती हूँ, कोई और तरीका नहीं है मेरे पास इसको लिखने का। अगर मैं इसकी बात करूँ इथेन, तो इथेन को लिखने का भी मेरे पास यही एक वे है। प्रोपेन में हम तीन कार्बन की एक सीधी सीधी चेन बनाए हुए हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक कार्बन को यहाँ से हटा कर ऊपर नीचे कर दें, बात वही होगी। अगर हम इस ब्यूटेन को देखें, तो ब्यूटेन को हम चार कार्बन की एक सीधी सीधी चेन ये भी बना सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 और CS3, जहाँ हमने तीन कार्बन की एक चेन रखी है, पेरेंट चेन जिसको बोलते हैं, और एक कार्बन हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से लटका दिया। तो ब्यूटेन को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं। ये दो अलग अलग कंपाउंड है, बट आप देख रहे हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो क्या है, सेम। इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा, इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है तो आप जानते हैं कि वेपर डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, एटम्स की कनेक्टिविटी बदली है, कि यहाँ चार कार्बन सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर तीन कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, और एक कार्बन हमने ऊपर या नीचे लगा दिया। तो एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज होने की वजह से, या बदल जाने की वजह से, या डिफर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में अंतर आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अगर हम और कुछ कंपाउंड्स लें, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज ऑक्टेन, ये कंपाउंड है हमारे पास ऑक्टेन। और इसी तरह से अगर हम कुछ ऐसा लें 1 2 3 4 5, ये और ये, आप देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन हैं। और इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी कितने हैं, 80 हैं। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगेन वो क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स में एटम्स की जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट हो गई। अगर इस कंपाउंड की हम बात करें तो ये एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है, यानी कि जब पेट्रोल कार 1940 या 20 जब भी स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त ऑक्टेन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था। बट इट्स ऑक्टेन वैल्यू इज़ वेरी लो, इसका ऑक्टेन वैल्यू बहुत हाई नहीं होता है। ऑक्टेन वैल्यू जिससे फ्यूल की एफिशिएंसी मेज़र की जाती है, इफ़ द ऑक्टेन वैल्यू इज़ हाई, किसी भी फ्यूल की अगर ऑक्टेन वैल्यू हाई है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम होती है, इसका ऑक्टेन वैल्यू क्या होता है, कम। और इसी का ये देखो, इसमें भी 8 कार्बन है, लेकिन एटम्स का कनेक्टिविटी बदल गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो इसका जो ऑक्टेन वैल्यू होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये एक अच्छा फ्यूल है, ये अच्छे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका ऑक्टेन वैल्यू क्या है, हाई है। तो है दोनों का नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सबको सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सबको सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में, इनके गुणों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, या इनके गुण जो है वो क्या हो गए, बदल गए। एक अच्छा फ्यूल है और एक क्या हो गया, ख़राब फ्यूल है। तो हम सिर्फ यहाँ पर ये पढ़ना चाहते हैं कि कोई भी दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स की बात करें, ये सिंपल ब्यूटेन है, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, आप चाहे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, दोनों तरफ से ये ग्रुप क्या है, या सब्स्टिट्यूएंट की पोजिशन सेम है, तो इसको हम कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन
और ये क्या हो गया, तीन कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन। तो नाम दोनों का अलग हो भले से, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। यानी कि ये दोनों ब्यूटेन और टू मिथाइल प्रोपेन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। अब हम आइसोमर्स में बात कर रहे हैं, ये ऑक्टेन और ये वाला जो कंपाउंड है, अगर आप इसको देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें 3-ethyl, 3-methyl pentane, और वो सिंपल ऑक्टेन है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। तो आइसोमर में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि आइसोमर होने के लिए उसका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होगा तो जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, वेपर डेंसिटी भी सेम होगी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क आ गया, दोनों के क्या है, स्ट्रक्चर में फ़र्क आ गया, संरचना में अंतर आ गया। तो ऐसे जो समावेवी हैं या आइसोमर्स हैं वो कहलाते हैं संरचनात्मक समावेवी। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को लेकर चलेंगे या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आइसोमर्स, सिंपल आइसोमर्स, कि कोई भी दो ऐसे कंपाउंड या कंपाउंड्स which have same molecular formula, they are known as isomers, and this phenomena is known as isomerism. कि भाई कोई भी दो ऐसे compound जिनका molecular formula same है वो एक दूसरे के isomers कहलाएंगे, और ये जो परिघटना है या phenomena है वो क्या कहलाता है, isomerism कहलाता है। अब structural isomerism का हम definition क्या लिखेंगे, कि structural isomerism में क्या होगा, वो चीज़ें तो same रहेंगी। अगर आप कोई भी आइसोमर पढ़ रहे हैं तो ये चीज़, ये पॉइंट्स तो कॉमन रहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ये भी अपन पढ़ चुके हैं, वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसके अलावा एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। जनरल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। ये सब चीज़ें तो हर आइसोमर में क्या होंगी, कॉमन होंगी। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ये एक एक्स्ट्रा बोलेंगे कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स में क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है या अलग हो जाता है, एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है या अंतर आ जाता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लेकर चल रहे हैं। स्ट्रक्चरल, या मैं इधर लिख देती हूं, हिंदी में इसको कहते हैं संरचनात्मक समावेवी, संरचनात्मक समावेवी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, कि एटम्स की कनेक्टिविटी में अंतर आने की वजह से, एटम्स की कनेक्टिविटी में अंतर आने की वजह से क्या हो गया, इनकी फिजिकल या केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण हैं, उनमें परिवर्तन आ गया, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, अणुसूत्र, वो क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे जो यौगिक होंगे वो एक दूसरे के संरचनात्मक समावेवी कहलाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि संरचनात्मक समावेवी में कौन कौन आता है। देखो, इसमें सबसे पहले आपका एक है, टाइप्स की अगर हम बात करें तो चेन आता है, चेन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर आप कुछ भी बोलिए। इसके अलावा पोजीशन है, चेन को कहते हैं, चेन को हिंदी में, चेन को आप चेन ही बोल सकते हैं, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है, चेन या फिर पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति समावयवता, इसको हिंदी में कहते हैं स्थिति समावयवता। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप, इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। रिंग चेन,
और रिंग चेन आइसोमेरिज्म कोई अलग नहीं है, ये फंक्शनल का ही एक पार्ट है, बट ठीक है अपन दिखाने के लिए कि नंबर इसको एक अलग से दे देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये इसी का पार्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म इसको हिंदी में कहते हैं चलावयवता। ये इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं, ईआर टाइप्स हैं, हम इसमें ये पढ़ेंगे, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, पोजीशन को पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, मेटामेरिज्म क्या है और टॉटोमेरिज्म। यहाँ पर अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहले हम इन मेटामेरिज्म तक पढ़ेंगे और टॉटोमेरिज्म एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको हम टोटली अलग से पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम सबसे पहले वो लेकर चल रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जैसे जो भी हम पेरेंट चेन लेकर चल रहे हैं, जैसे अपन आयुपैक पढ़ते हैं तो आयुपैक में क्या होता है, पेरेंट चेन होती है, उस पर सब्सिक्वेंट्स लगे होते हैं इस तरह से, तो चेन आइसोमेरिज्म में जो पेरेंट चेन होगी या जो सब्सिक्वेंट्स होंगे उनमें डिफरेंस आएगा, उनमें नंबर ऑफ कार्बन कम ज़्यादा हो जाएंगे, तो उन्हें ऐसे जो आइसोमर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, चेन। अब जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं कि जो सेम है, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम जो भी पढ़ेंगे अगर कोई भी दो कंपाउंड जो एक दूसरे के आइसोमर हैं तो उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में क्या होगा, सेम होगा, तो वो चीज़ें सब में कॉमन है, बस अलग क्या है हम सिर्फ वो देखेंगे। नाउ चेन आइसोमेरिज्म यानी कि कंपाउंड विच हैव सेम नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन और साइड चेन, ठीक है। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन एंड इन साइड चेन। अगर पेरेंट चेन है या साइड चेन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले देखो हम इसको एग्जांपल से देखें, हिंदी मीडियम के बच्चे इसको लिखेंगे कि यौगिक जिनमें मुख्य श्रृंखला या साइड चेन जो प्रतिस्थापी है, वो साइड चेन या मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या में अंतर आ जाता है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। बाकी जो सिमिलर वाली चीज़ें हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, नाउ एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3, चार कार्बन है, ब्यूटेन। अगर हम इसको यूँ लिखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो C4H10 हो जाएगा। अब हमें इसके आइसोमर्स बनाने हैं, तो आइसोमर बनाने का तरीका क्या है कि जैसे चार कार्बन है तो चार कार्बन की हमने सीधी सीधी चेन बना ली, अब इसका दूसरा आइसोमर हम कैसे बनाएंगे। आइसोमर्स बनाने का तरीका है कि ये जो चेन है इसको आप छोटा करते हुए चले जाइए, पहले आप चार कार्बन वाले ब्यूटेन से बनाइए, फिर प्रोपेन से बनाइए। अब अगर मान लो कि हम इसको छोटा करना चाहें, आप हाइड्रोजन बार बार ना लिखें, ठीक है, क्योंकि ड्यू इनमें सब में क्या होगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है, ड्यू जीरो है, इसलिए आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। अब आपको इसका नेक्स्ट आइसोमर बनाना है तो क्या करेंगे, हमने तीन कार्बन किस तरह से चेन बना ली और एक कार्बन जो बचा हुआ है वो हमने कहीं पर भी लगा दिया। अब आप कार्बन नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप कार्बन यहाँ लगाते हैं तो वो वापस पहले वाला ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। अब इसका नाम तो ब्यूटीन है और इसका क्या हो गया, 2-methyl propane, जो अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिया था ऐसा एग्जांपल। तो इस तरह से इसके क्या हो गए, दो आइसोमर हो गए। अगर आप चाहें कि इसको और छोटा कर लें तो ये संभव नहीं है, तो इस तरह से C4H10 के हमारे पास कितने आइसोमर हो गए, दो हो गए। अब अगर मान लो कि हमारे पास 5 कार्बन है, उसका हम बनाना चाहें एल्केन वाला, 3, 4 और 5, इसका अगला आइसोमर बनाना है नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, हम इस चेन को छोटा करते हुए चलेंगे। अब कितने की कर लें, 1, 2, 3, 4 कार्बन की कर लें,
और एक कार्बन जो बचा है उसे आप चाहे तो यहाँ लगा दीजिए या यहाँ लगा दीजिए, आप चाहे इसको यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, सेम आइसोमर बनेगा या सेम कंपाउंड बनेगा। इधर से चलेंगे तो 2 पर मिथाइल है, अगर ये CH3 ग्रुप आपने यहाँ पर लगा दिया तो ये इधर से क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर हो जाएगा, 2 मिथाइल। तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर हम इसका और देखें कि आइसोमर बन सकता है नहीं बन सकता है, तो चेन को और छोटा कर लो, 1, 2, 3, हम इस पर एक कार्बन यहाँ लगा दें और एक और इसी कार्बन पर एक और लगा दें, तो ये क्या हो गया, एक इसका अलग आइसोमर बन गया। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया जाए और आपको उसका आइसोमर बनाना है, तो जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आप ये चेक कर लें कि क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। कि भी अगर अनसेचुरेशन, देखो DU अगर आप निकालना जानते हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, DU से फ़ायदा क्या होगा कि भाई अगर मान लो C4H10 है, तो अगर आप इसे सिंपल एल्केन में कन्वर्ट करके देखें, अगर कार्बन 4 है तो सैचुरेटेड कंपाउंड होने के लिए इसको हाइड्रोजन कितना चाहिए, 10 चाहिए, C+++2, 10 चाहिए। तो इसमें है, इसका मतलब DU 0 है। तो आप सीधे सीधे बनाइए, आपको कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं लगाना है, और जब तक मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तब तक उसमें कोई रिंग टाइप का भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरह से अपन छोटा कर करके बना लेंगे। अगर हमारे पास C5 है, 5 कार्बन वाला है, अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 10+2, 12। तो अगर मान लो कि C5 है तो H कितना चाहिए, 12। तो आप सीधे सीधे इसके बना लें। अगर मान लो कि हमारे पास C6 है तो हम कैसे बनाएंगे इसके आइसोमर्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन के, 3, और एक ये क्या हो गया, साइड चेन हो गई। तो जहाँ पर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाए या साइड चेन में चेंज हो जाए इस तरह से, तो वो आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। अगर आपने 6 कार्बन लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इसका नेक्स्ट आइसोमर आप कैसे बनाएंगे, इसको क्या कर दीजिए, छोटा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन की हमने एक पेरेंट चेन ले ली और एक कार्बन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 6 हो गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और हम बीच वाले पर कार्बन को लगा दें, तो यहाँ पर एक और नया आइसोमर तैयार हो गया। बना सकते हैं इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, चेन को और छोटा करेंगे, ब्यूटेन से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और 2 कार्बन को क्या करेंगे, हम बीच में भी लगा सकते हैं, एक ही कार्बन पर दोनों लगा सकते हैं या 2 अलग अलग पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इनके सारे आइसोमर्स बना सकते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी अगर पेरेंट चेन या जो साइड चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होते हैं या उसमें अगर चेंजेस आते हैं, तो वो आइसोमर क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। ओके, नाउ ये हमारे पास एक 6-membered रिंग है और हमने यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, इथाइल। या अगर मान लो कि मेरे पास कोई 6-membered रिंग है और एक CH3 यहाँ पर और यहाँ पर, अब ये क्या हो गया, देखो ये चीज़ तो क्या है, सेम। अगर मान लो मेरे पास, देखो ये 6-membered रिंग है और यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, इथाइल लगा दिया, और यहाँ पर 6-membered रिंग है और 2 कार्बन को हम इस तरह से लगा देते हैं, ये पोजीशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पोजीशन तब होता है, जैसे मान लो ये 1-2 पोजीशन है, तो इधर भी कुछ 1-3 या इस टाइप का कुछ होना चाहिए, यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप ही लगा हुआ है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। अरे बस समझो, तो ये किस में आ जाएंगे, चेन आइसोमर्स में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम चेन आइसोमर्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपका आता है, हम ले लेते हैं पोजीशन को। पोजीशन देखो ये बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर अपन पोजीशन की बात करें तो अगेन क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जो बातें हमने शुरू में की है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DU भी क्या होगी, सेम होगी। इसके अलावा जनरल फॉर्मूला सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। बस यहाँ पर क्या होगा कि जो भी 2 आइसोमर होंगे उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा या मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे या सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उनकी पोजीशन में बस अंतर आएगा। उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो हम पोजीशन आइसोमेरिज्म में लिख सकते हैं, यानी कि कंपाउंड विच हैव different position of functional group, जो भी उसमें functional group present होगा, functional group same रहेगा, वो अलग नहीं होगा, बस उसकी position change होगी। तो compound which have different position of functional group
सब्सिट्यूएंट्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स. जो भी फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा या जो भी सब्सिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे या जो भी मल्टीपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होगा, उनकी पोजीशन में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा. बाकी सब चीज़ें क्या होंगी? एज इट इज़ होंगी, सेम होंगी. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन रिंग OH, हमने ये लगा दिया. अब ए ग्रुप से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम एक और ग्रुप लगा दें यहाँ पर OH, ये ले लिया. अगर ये 1-2 पोजीशन पर है, ऑर्थो पर है, हमने एक ग्रुप लगा दिया OH यहाँ पर. और एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन रिंग OH और ये OH. इन तीनों एग्जांपल में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर दोनों OH ग्रुप हमने 1-2 पोजीशन पर लगाया है, यहाँ पर 1-3 पर लगाया है और ये 1-4 पर है. आप देखेंगे कि ये जो इसका स्केलेटन वाला पार्ट है, जो मेन ये वाला पार्ट है, ये तीनों ही एग्जाम्पल्स में क्या है? कॉमन है. इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए. ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH वो भी सेम है, बट क्या चेंज हो रहा है? केवल और केवल उनकी पोजीशन या उनकी स्थिति में क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है. जहाँ पर ये वाला देखें तो ये ऑर्थो है या ये 1-2 पोजीशन पर लगे हुए हैं. अगर इसको देखें तो ये मेटा या यूँ कहो कि 1-3 पोजीशन पर लगा हुआ है और ये किस पर लगे हुए हैं? 1-4 पोजीशन पर लगे हुए हैं. तो पोजिशनल जो आइसोमर्स होंगे उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. डिफरेंस जो आएगा वो इन फंक्शनल ग्रुप्स या सब्सिक्वेंट्स भी हो सकते हैं या मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, उनकी पोजिशन में क्या होगा? डिफरेंस आएगा या अंतर आएगा. तो ये तीनों एक दूसरे के किस टाइप के आइसोमर हो गए? पोजिशनल आइसोमर्स हो गए. आगे बात समझ में? तो ये इन्हें हम कहेंगे पोजिशन आइसोमर्स. ठीक है, या हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं. जैसे मान लो ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर ये है ग्रुप, इस तरह से लगे हुए हैं ये. यहाँ पर दो मिथाइल 1-2 पोजीशन पर लगे हुए हैं, यहाँ पर ये 1-1 पोजीशन पर लगे हुए हैं. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इनकी पोजीशन या इनकी स्थिति में चेंजेस आ रहे हैं. बाकी ये जो मेन पार्ट है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल एक जैसा है. ग्रुप भी एक जैसे हैं, बस उनकी पोजीशन बदली है. नेक्स्ट पोजीशन जो आइसोमेरिज्म है, उसके बाद हम नेक्स्ट ले रहे हैं फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो नाम से ही लग रहा है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोजीशन की नहीं बल्कि फंक्शनल ग्रुप की बात होगी. यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अगेन सेम होगा, बाकी सब पॉइंट्स वैसे के वैसे होंगे, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा. तो नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी कि इसमें क्या होगा? अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम. फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट. फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसमें? डिफरेंट होगा. तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे. अब देखो यहाँ पर कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CHO और मैंने इस तरह से 3 कार्बन ले लिए CHO, 1, 2, 3 और ये है कीटोन. देखो एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करेंगे. देखो ये CHO है और ये क्या है? कीटोन. अगर आप नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे इसमें भी कितने हैं? 3 हैं. देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है और DU भी सेम है तो आपको हाइड्रोजन को काउंट करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल DU देखें. अगर आप एल्डिहाइड को लेकर चलते हैं तो वहाँ पर एक DU आ रहा है, एक अनसैचुरेशन आ रही है, तो कीटोन में भी कितना होगा? 1 अनसैचुरेशन होगी. तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन देखने की जरूरत नहीं है, आप विदाउट हाइड्रोजन को देखें सिंपली DU देख के कर सकते हैं. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन इनको हम दो डिफरेंट या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करते हैं. तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, अब इन दोनों को देखो, आप देखेंगे कि इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है? सेम है. नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सब कुछ सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया. ये कीटोनिक ग्रुप है, सॉरी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है. अगर हम ये देखें कार्बन कार्बन और हम COH ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर 3 कार्बन वाला 1-2 हम कोई इस्टर लेते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है? इस्टर है. आप देखेंगे कि इसमें दो ऑक्सीजन है, 1DU, 1DU, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है? चेंज हो गया है. तो ये भी एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे. यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और इस्टर को हम एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करेंगे. अगर हम एमीन्स की बात करें तो देखो 1 डिग्री एमाइन है,
टू डिग्री एमाइन है या थ्री डिग्री, इन तीनों एमीन्स को भी हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करते हैं। ये बातें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई वन डिग्री एमीन, टू डिग्री एमीन, थ्री डिग्री एमीन, तीनों को हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करेंगे। इसी तरह से एमाइड आप ले लीजिए, तो वन डिग्री एमाइड, टू डिग्री एमाइड और थ्री डिग्री एमाइड। एमाइड होता है RCONH2, RCONH2 इज एमाइड, ये वन डिग्री एमाइड है। RCONH और R पार्ट हम यहाँ एक और ऐड कर सकते हैं, ये कैसा हो गया, टू डिग्री एमाइड हो गया। अगर हम इस हाइड्रोजन को, ये वाला हाइड्रोजन जो है हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं, किसी भी अल्काइल ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये तीनों वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री एमाइड, इनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करेंगे। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह से हम अल्कोहल की भी बात कर सकते हैं, तो जहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, डी यू सेम हो, पोजिशन की कोई बात नहीं हो, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। अगर मान लो कि हमारे पास फिनोल है, बेंजीन रिंग और OH, ये फिनोल है, यहाँ पर हमने कोई ग्रुप लगा दिया, इथाइल लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। ये अगर मान लो कि हमने कुछ ऐसा ले लिया, बेंजीन रिंग और ये दो कार्बन और CH2OH ले लिया, ये फिनोल है, फिनोल इनोल, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी, एक मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पर अगर OH ग्रुप आ जाए तो ये बन गया इन प्लस ऑल इनोल। तो इनोल और ये है अल्कोहल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर अगर मान लो कि OH ग्रुप लगा है तो वो कहलाएगा इनोल, और यहाँ पर sp3 वाला कार्बन है, इस पर अगर OH आ जाए तो वो कहलाएगा अल्कोहल। तो अल्कोहल और फिनोल, इनको भी आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करना है। यानी कि अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन 6 7 8 6 7 8, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डी यू इसमें कितनी है, तीन तो पाई बॉन्ड होंगे और एक रिंग 4, और इसमें भी डी यू कितनी है 4, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, जब सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस अंतर कहाँ आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप में। ये इनोल है और ये क्या है, अल्कोहल, तो इनका केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो ये कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल एंड इनोल, इन दोनों को भी हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करना है, और ईथर को भी आपको यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप मानकर चलना है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ईथर का, कि हमारे पास कंपाउंड है कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ये आपका ईथर है, ठीक है, हम इसको यू भी ले सकते हैं, ये है, या 1 2 3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये कार्बन, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, ठीक है, आइसोमर है। यहाँ पर अपन जो कि फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसी तरह से अगर मान लो कार्बन पर दो OH ग्रुप आ जाए, या अगर मान लो कि OH OR आ जाए, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, तो ये ग्रुप जो होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे, या ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होंगे। तो इस तरह से अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पहचान सकते हैं कि अल्कोहल है, इनोल है, या अल्कोहल फिनोल, इनको आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करना है। वन डिग्री एमीन, टू डिग्री, थ्री डिग्री, तीनों एमाइंस को भी आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करना है। यानी कि अगर इस तरह के कंपाउंड्स आते हैं तो हमें उन्हें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स मानकर चलना है, ठीक है। इसके अलावा आप एमाइड्स को भी ले सकते हैं कि वन डिग्री एमाइड, टू डिग्री एमाइड, थ्री डिग्री एमाइड, दे आर ऑल्सो कंसिडर एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ओके। फंक्शनल ग्रुप के बाद आपका एक रिंग चेन और है, छोटा सा रिंग चेन, कुछ अलग नहीं है, इसी का एक पार्ट है, और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखिए रिंग चेन में क्या होता है कि वन आइसोमर या वन कंपाउंड, कंपाउंड लिख दो, एज एन साइक्लिक फॉर्म, या वन कंपाउंड विल बी साइक्लिक, कुछ भी लिखिए आप, कोई एक साइक्लिक होगा एंड अनदर विल बी एसाइक्लिक, कोई एक यौगिक तो चक्रीय रूप में होगा, साइक्लिक रूप में होगा, और कोई दूसरा जो होगा वो एसाइक्लिक या एचक्रीय रूप में, मतलब ओपन चेन के रूप में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास चार कार्बन है इस तरह से और एक मल्टीपल बॉन्ड है, अगर वो रिंग की फॉर्म में है तो उसमें ऑटोमेटिकली एक डी यू प्रेजेंट होगी,
तो यहाँ पर हमारे पास चार कार्बन का कोई इस तरह से कंपाउंड है जिसमें एक पाई बॉन्ड है और इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन है और जब ये रिंग में कन्वर्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसमें एक डीयू प्रेजेंट हो गई है। तो यहाँ पर आप इन दोनों कंपाउंड्स में देखेंगे कि दोनों में डीयू क्या है, सेम है। नंबर ऑफ कार्बन 4, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, 4। तो अगेन इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बस अंतर कहाँ रहा है कि कोई एक साइक्लिक फॉर्म में है और कोई दूसरा क्या है, ओपन चेन है। तो अगर इस टाइप के कोई कंपाउंड हो जहाँ कोई एक साइक्लिक फॉर्म में, कोई एक असाइक्लिक रूप में, तो वो किस में जाएंगे, रिंग चेन। एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये इसी का एक पार्ट है। बस नंबर बढ़ाने के लिए इसको अलग से पढ़ा दिया जाता है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म का हो गया। अगर आप कुछ ऐसा लेते हैं जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड की जगह, तो क्या होगा, 4 कार्बन का इस तरह से और एक क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें कितनी डीयू है, 2। तो इसमें क्या होगा, एक तो रिंग में आ गई और एक पाई बॉन्ड का आ गया, तो डीयू कितनी हो गई, 2। डीयू आपको ध्यान रखनी है, आपको हाइड्रोजन नहीं देखना है, आप सिंपली डीयू देखें और नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें, आपका काम इसी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म का हो गया। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बाद आपका आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मेटामर्स किन्हें कहेंगे, देखो मेटामेरिज्म में अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, ये तो सब में क्या होगा, सेम होगा। देर आर सम कंडीशंस कि भाई कोई कंपाउंड है वो मेटामेरिज्म शो कर रहा है, तो मेटामेरिज्म शो करने के लिए उसमें कुछ कंडीशन है वो होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन दे शुड हैव ए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, they should have a polyvalent functional group or with hetero atom, यहाँ पर अपन को एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी कंपाउंड अगर मेटामेरिज्म शो कर रहा है तो उसमें एक पॉलीवेलेंट या बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और विद हेटरो एटम, मतलब कार्बन के अलावा कोई और दूसरा, जैसे ऑक्सीजन हो सकते हैं, वो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। सल्फर ऑक्सीजन दिस आर बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, हेटरो एटम तो है ही, ये कार्बन के अलावा कोई भी है, और इनके दोनों तरफ क्या आ सकता है, आर पार्ट जुड़ सकता है इधर इधर, या ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ हो सकते हैं, इस्टर ग्रुप हो सकता है। अपन देखते हैं कि इस्टर में भी क्या होता है, इधर भी अल्काइल पार्ट आ जाता है, इधर भी आ जाता है, तो ये भी कैसा हो गया, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। नाइट्रोजन है अगर मान लो NH की फॉर्म में है, ये हो गया, दोनों तरफ एल्काइल पार्ट आ सकते हैं। आप नाइट्रोजन ऐसा ले सकते हैं कि तीनों तरफ एल्काइल पार्ट लगा सकते हैं, पॉलीवेलेंट टाइप का, या अगर मान लो कि आपके पास COOCONH हाइड्राइड इस टाइप का ग्रुप है तो ये भी ले सकते हैं, ये भी किस में आएगा, बाईवेलेंट में आ जाएगा। इधर भी आर पार्ट लगा सकते हो आप, इधर भी आर पार्ट लगा सकते हो। तो इसमें ध्यान रखना है कि मेटामेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट देयर आर सम कंडीशंस, यहाँ पर कुछ शर्तें हैं कि दे शुड हैव ए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप विद हेटरो एटम, कि इसमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए या बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और उसमें कोई एक हेटरो एटम प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि ये जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों तरफ जो आर पार्ट होगा, तो किसी एक तरफ भी अगर आर पार्ट चेंज हो गया तो चलेगा, मतलब ये जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हम लेकर चल रहे हैं इसके इधर और इधर जो आर पार्ट है वो चेंज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर एक तरफ भी हो गया तो भी चलेगा, जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ये अपन लिख लेंगे कि एल्काइल पार्ट शुड बी डिफरेंट एट आइदर साइड ऑफ पॉलीवेलेंट हेटरो एटम। ओके, नाउ हम एग्जांपल ले रहे हैं, हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसा लिख लें, शर्तें
हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं एक लाइन लिख देती हूँ कि मेटामेरिज्म शो करने के लिए, मेटामेरिज्म शो करने के लिए या दर्शाने के लिए, शो करने के लिए, मेटामेरिज्म शो करने के लिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का हिंदी वो जानते हैं क्रियात्मक समूह, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म शो करने के लिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसके किसी एक तरफ, जिसके किसी एक तरफ एल्किल समूह परिवर्तित हो जाना चाहिए या एल्किल समूह चेंज होना चाहिए। आप इंग्लिश वाला भी देख लें, इंग्लिश में मैंने लिखा है कि मेटामेरिज्म शो करने के लिए जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है विद हीट्रो एटम होना चाहिए और किसी एक तरफ एल्काइल समूह क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ये किस में कि भाई कोई भी दो यौगिक जो एक दूसरे के आइसोमर हैं, कौन से मेटामर्स हैं, तो उन हीट्रो एटम्स के किसी एक तरफ आर पार्ट या एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी और दूसरा मेरे पास है कि ई टी सी डबल बॉन्ड ई टी इथाइल ग्रुप के लिए है सी ओ ओ और बेंजीन रिंग। अब ये दोनों क्या एक दूसरे के मेटामर्स हैं? देखो यहाँ पर सी ओ, इस सी ओ से कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और इधर इस सी ओ से कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो ग्रुप है ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है या बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब इसके या तो इस तरफ या इस तरफ किसी एक तरफ भी अगर आर पार्ट चेंज हो गया या एल्काइल ग्रुप चेंज हो गया तो वो एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। तो उधर सी ओ से कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन या फिनाइल रिंग जुड़ी हुई, और इधर कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के मेटामर्स कहेंगे, ठीक है। या हम कुछ ऐसा एग्जांपल लें, यहां पर देखो ये नाइट्रोजन है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, दो कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक फाइव मेंबर रिंग है, यहाँ पर सिक्स मेंबर रिंग है और इसमें क्या है, एक कार्बन लगा है। आप नंबर ऑफ कार्बन देख लें, नाइट्रोजन है यहाँ पर कितने, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नाइट्रोजन सेम है, डी यू सेम है, सब कुछ सेम है। अब इस पॉलीवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप है इसके किसी एक तरफ, जैसे इधर इथाइल है, इधर कौन है, मिथाइल, इधर फाइव मेंबर रिंग है, इधर कौन है, सिक्स मेंबर रिंग, तो किसी एक तरफ भी अगर एल्काइल पार्ट चेंज हो गया तो अब हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं, मेटामर्स कह सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी दुविधा आपको आ सकती है कि जैसे कई बार आपको ये लगेगा कि पोजीशन भी हो सकता है, जैसे हम एक एग्जांपल लें, सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग है और सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, जैसे अपन ने अभी अभी एक एग्जांपल लिया था, और एक और एग्जांपल ले लें सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, और मैंने यहाँ पर ग्रुप लगा दिया, जैसे इथाइल ग्रुप लगा दिया या सी एस थ्री लगा दो, आप तो कुछ भी लगा दो, और एक यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, तो ऐसे में ये है कि भाई इसको हम कौन सा नाम दें। तो जब कभी आपके सामने ये दुविधा हो कि क्या ये मेटामर्स होंगे, क्या ये पोजिशनल होंगे या क्या होंगे, तो वहाँ पर आप एक ऑर्डर फॉलो करें। देखो चूँकि इस एक मिनट यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स, चेन और पोजीशन,
ये ऑर्डर वहाँ पर आप ध्यान रखें कि कहीं पर भी, अभी जैसे अपन ने जो एग्जांपल लिया था, क्या वो पोजिशनल का एग्जांपल था या वो मेटामर्स थे, वो क्या था, तो वहाँ पर आप ये देखें कि इस प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, जैसे कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गया, प्रायोरिटी हम इसको देंगे। अगर कहीं आपको ये लग रहा है कि क्या ये पोजिशनल है, ये दुविधा है, या मेटामर्स होगा, क्या होगा, तो आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है, मींस दे विल बी मेटामर्स। वो क्या होंगे, मेटामर्स होंगे पहले, और उसके बाद चेन, और सबसे लास्ट में किसको मिल रहा है प्रायोरिटी, पोजिशनल को। तो ये ऑर्डर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इसमें कोई दुविधा नहीं होगी ये पहचानने में कि ये कौन सा आइसोमर्स होंगे। तो ये एक छोटा सा आपका टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। इसके बाद हम टोटोमेरिज्म अलग से लेंगे, और इसके बाद स्टीरियो अलग से आएगा, एक अलग टॉपिक है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी, तो आप कैसे भी मुझे भेज सकते हैं, किसी व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल क्लासरूम पे करके या कैसे भी। ओके, ये तो अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, अब हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे कि कैसे हम आइसोमर्स बनाना सीखें, कैसे हम आइसोमर बनाएं। जैसे कोई भी कंपाउंड हमें दे दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो कह रहा है कि इसके आइसोमर्स बनाइए। जैसे आपके पास है C4H10 है, C5H12 है, तो आपको इनके आइसोमर्स बनाने हैं, तो ये हम इसके बाद करेंगे। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जिनके हमें आइसोमर्स बनाने हैं। जैसे हमारे पास C4H10 है, चार कार्बन है। अब आपको ये देखना है, जो भी प्रॉब्लम आपको दी गई है, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इसमें कोई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, क्योंकि हमने DU निकालना सीखा है। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप फिर से IUPAC में इसको रिवाइज कर लें, जहाँ पर अपन ने पढ़ा है। तो C4H10 हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उसे आप एल्केन में कन्वर्ट करें या उससे कंपेयर करें कि अगर कार्बन चार हैं तो हाइड्रोजन हमें कितना चाहिए, जस्ट डबल प्लस टू, चार दुनिया आठ प्लस दो दस, यहाँ पर है। इसका मतलब इस कंपाउंड में जो DU होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अगर DU जीरो है तो यानी कि इसमें जो भी बनेंगे वो सारे एल्केन वाले बनेंगे, सैचुरेटेड बनेंगे। C5 है तो S12 चाहिए। इसी तरह से अगर मान लो कि कार्बन चार है तो हमें चाहिए कितना, 10, और हमारे पास है कितना, 8, तो इसमें DU कितना आ गया, 1। 1 DU आने का मतलब है कि इसमें जो भी कंपाउंड्स बनेंगे या जो भी आइसोमर्स बनेंगे उनमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से एक पाई बॉन्ड दिखाते हुए हम कितने तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कितने डिफरेंट वे में इसको लिख सकते हैं, वो आइसोमर्स आपको बनाने हैं। ठीक है, ये देखो, ये केवल और केवल प्रैक्टिस से होंगे। पहली बार जब आप बनाएंगे तो हो सकता है आपके दो आइसोमर कम बने, एक छूट सकता है, या बहुत ही कम बने, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप सारे बनाने लग जाएंगे। और एग्ज़ाम में कोई बड़ी इस तरह से कोई बड़ी प्रॉब्लम पूछी भी नहीं जाती है कि ठीक है ये ऐसा कंपाउंड है, इसके 20 आइसोमर बन रहे हैं, इसके 150 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में। आप ये बस छोटे छोटे करना सीख लें तो ये टॉपिक आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। C5H10, अगर हमारे पास कार्बन 5 है तो हमें कितना चाहिए हाइड्रोजन, 5, 12 चाहिए, और है कितना, 10। इसका मतलब इसमें क्या है, एक DU प्रेजेंट है। अब आपको यहाँ पर एसाइक्लिक बनाना है। एसाइक्लिक बनाने का मतलब है कि रिंग वाले आपको नहीं बनाने हैं, केवल और केवल ओपन चेन वाले बनाने हैं, एचक्रिय या एसाइक्लिक। C5H10 चक्रिय, इसमें आपको केवल और केवल साइक्लिक बनाने हैं। तो अगर कोई भी कंपाउंड है आप लेते हो, चाहे वो 3-membered रिंग है, 4-membered है, कितना मेम्बर्ड भी रिंग है, अगर वो रिंग फॉर्म में आ गया तो मतलब उसमें से दो हाइड्रोजन निकल चुकी हैं, या यू कहो कि ऑटोमेटिक उसमें एक DU प्रेजेंट है। ठीक है, तो C5H10 यहाँ पर आपको इसका साइक्लिक बनाना है, C3H4 का बनाना है, आप DU निकालिए। ठीक है, इसमें C4H6 का एसाइक्लिक बनाना है, इसमें साइक्लिक बनाना है, C3H7Cl। एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ, कहीं दिक्कत ना हो, C4H9Cl, C5H11Br, C3H6Cl2, C3H5Cl3, C3H8O, इसमें अल्कोहल और ईथर। देखो यहाँ पर जो लिखा है अल्कोहल और ईथर, इसका क्या मतलब है, अल्कोहल और ईथर का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन होने का मतलब है कि ये अल्कोहल भी हो सकता है, वो ईथर भी हो सकता है, बट अगर उसमें ड्यू नहीं है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है, तो वो अल्कोहल और ईथर ही हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले ड्यू निकालेंगे, ये देखेंगे कि क्या उसमें अनसेचुरेशन है या नहीं है। तो इसका केवल और केवल अल्कोहल और ईथर वाला आपको आइसोमर बनाना है, इस कंपाउंड में भी आपको केवल अल्कोहल और ईथर वाला बनाना है, इसमें केवल अल्कोहल वाला आपको बनाना है, बाकी छोड़ देने हैं। ठीक है, साइक्लिक बनाना है कि कितने बनेंगे, और इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। C4H11N, C4H8O, एल्डिहाइड और कीटोन वाले बनाने हैं। अगर एल्डिहाइड और कीटोन का बनेगा, इसका मतलब इसमें एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन प्रेजेंट होगी। C4H6O साइक्लिक, और वो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, इनकी हम बात कर रहे हैं, और वो भी कौन सा? साइक्लिक। कार्बोनिल, ये लिखा है कार्बोनिल, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें, कार्बोनिल का मतलब है या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप। C5H10O2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ वही वाले आइसोमर बनाने हैं, इसमें केवल इस्टर बनाना है। एरोमेटिक कंपाउंड C7H8O आपको दिया हुआ है, अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन किसी भी कंपाउंड में 3 से ज़्यादा आती है, 4 या 5, इसका मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, तो आपको इसको केवल एरोमेटिक कंपाउंड वाले है या आइसोमर बनाने हैं। ठीक है, तो ये 27 प्रॉब्लम है, आप इसको कर लें, और नेक्स्ट क्लास में इसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगी, आप अपने उस सॉल्यूशन से इसको मैच करा सकते हैं। ठीक है।